हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रोमपर बनाऊंगी। ये 6 मंथ से लेकर 1 ईयर्स तक है और मेरी 4 प्लाई की ये वूल है और 250 mm का मेरा क्रोशिया है। और ये 3 बटन मुझे ऊपर चाहिए होंगे, ये वाले, और 2 यहाँ पर ये वाले लगाऊंगी। और ये मैंने यहाँ पर बेल्ट बनाई है, आप इसकी जगह रिबन भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको शुरू करके दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ से शुरू किया ऊपर से, और इसमें 58 चैने चाहिए। मैंने एक चैन ज़्यादा बनाई है, कभी कम हो जाती है तो हम इधर से निकाल देंगे। 58 चैने बनानी है और मैंने 59 चैने लिए हैं। और 1 2 3 इसको स्किप करके फोर्थ में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसको 8 डबल क्रोशिया बनेंगे। इसको भी काउंट करेंगे, 3 4 5 6 7 ये 8, ये फ्रंट के बनाए। फिर एक चैन लेंगे और इसी में जहाँ पर हमने 8 वाला स्टिच बनाया है, इसी में ही हम एक स्टिच बनाएंगे और ये हमारा कॉर्नर बन जाएगा। ये ऐसे कॉर्नर 2 आगे आएंगे, 2 कॉर्नर पीछे आएंगे। और यहाँ पर ये फ्रंट बनाया, अब ये स्लीव के लिए बनाएंगे। स्लीव के लिए मैं 14 बनाऊंगी। ठीक है, 14 डबल क्रोशिया बना के फिर आगे ये फिर कॉर्नर बनाएंगे। ये 14 मेरे स्टिच बन गए। ये स्लीव के लिए एक चैन बनाएंगे और इसी में ही मैं कॉर्नर बनाऊंगी और फिर यहाँ पर 16 स्टिच बनाएंगे। फिर यहाँ कॉर्नर मैं आपको बना के बताती हूँ। स्टिच बन गए और यहाँ पर ये मेरा बैक के लिए, क्योंकि आगे हमने फ्रंट पे 8 बनाए हैं ना, 8 इधर बनाएंगे फ्रंट पे, 8 8 और 16 हो गए, 16 ही बैक पे बनेंगे। ऐसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये मेरा फ्रंट बना, ये 8 स्टिच ये बने, फिर कॉर्नर बना, फिर हमारे स्लीव के लिए ये 14 बने, फिर हमारे एक कॉर्नर बना और ये 16 बने। और ये 4 कॉर्नर बनेंगे, 1 2 3 इधर बनेगा और एक फ्रंट का बनेगा। ये कॉर्नर बन गया और यहाँ पर 14 स्टिच होंगे। ठीक है, ये 14 स्टिच बनाए। ये 14 स्टिच हो गए। ठीक है, 14 स्टिच हो गए, कॉर्नर बनेगा, एक चैन लेंगे, इसी में बनाएंगे डबल क्रोशिया और इसमें यहाँ फ्रंट के लिए 8 स्टिच बनेंगे। ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 58 स्टिच हो जाते हैं। जैसे मैंने एक बनाया था तो एक यहाँ रह गया। ठीक, ये देखिए यहाँ पर 3 चैने बनाएंगे, सेकंड रो बनाएंगे और ये कॉर्नर से कॉर्नर में ऐसे ही बनाते जाना है। ठीक है, ये मैं आपको बना के बताती हूँ।
एक स्टिच कॉर्नर में चारों तरफ से बढ़ता चला जाएगा, चारों कॉर्नर से। ये 12 रो हम बनाएंगे इसके। ये देखिए हम कॉर्नर में आ गए। इधर हम इसमें ही कॉर्नर में एक स्टिच बनाएंगे, तो कॉर्नर में बनाते जाएंगे तो एक स्टिच हमारा बढ़ता चला जाएगा। एक चैन लेंगे कॉर्नर में, फिर बनाएंगे ये फ्रंट से, ये जो हमने स्लीव बनाई इधर से बैक में फ्रंट पे बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही आप इसके 12 रो आप बनाइए, ठीक है? ऐसे ही बनाने हैं 12 रो। ये यहाँ ऊपर की चोली मेरी बन के तैयार है और ये 12 रो बन गए हैं, 12 रो बनाए हैं हमने, ठीक है? और यहाँ पर अब मैं स्लीव जोड़ूंगी ऐसे, ठीक है? मैं आपको बना के बताती हूँ। ये ऐसे ही डबल क्रोशिया बुनना है, डबल क्रोशिया बुनते हुए ऐसे डबल क्रोशिया मैं स्पीड से इसीलिए बना रही हूँ कि यह मैं कॉर्नर तक आपको दिखा सकूँ। ऐसे ही डबल क्रोशिया बुनते हुए यहाँ कॉर्नर तक आएंगे, ये देखिए कॉर्नर पे आ गए। कॉर्नर में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसको यहाँ पर ये जो कॉर्नर है सेकंड वाला, इसके साथ हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है? ये देखिए ऐसा एक स्लीव इधर से बन गई और ये जो पीछे का बैक है हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है? ऐसे ही बना के फिर इधर से मैं आपको जोड़ के बताती हूँ। पे पहुँच गई कॉर्नर पे और ये कॉर्नर में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे और दूसरे कॉर्नर से हम ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है? ऐसे ऐसे पूरा बुनते हुए यहाँ तक, ये फ्रंट वाला ऐसे ही बुनते हुए मैं आपको यहाँ से जोड़ के बताती हूँ। ये लास्ट वाला बुना और इसको ऐसे जोड़ेंगे इधर, ये वाला इसको इसको करके ये जो यहाँ पर सेकंड वाला है इसके यहाँ से फ्रंट से उठाएंगे ऐसे, इसको स्किप करेंगे और ऐसे हमारा ये ऐसे हो जाएगा। और बटन पट्टी फिर यहाँ से ये वाली बटन पट्टी इसमें होल बनाएंगे और इसको ऐसे ही उठाएंगे और ये जो हमारे ये डबल क्रोशिए बने हुए हैं इसमें दो दो स्टिच हम डालते चले जाएंगे, सिंगल क्रोशिए के सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, दो स्टिच डालेंगे, ठीक है? और ऐसे ही दो दो स्टिच डालते हुए फर्स्ट रो पूरा हो गया यहाँ जिसमें होल बनेंगे। और ये इसको सेकंड वाला रो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट जो हमारा स्टिच है उसको सिंगल क्रोशिया बुनेंगे और तीन चैने लेंगे, ये थ्री चैने ली और ये जो ये स्टिच है 1 2 3 में हम इसको यहाँ डालेंगे ऐसे सिंगल क्रोशिया बुनते हुए, ये हम 8 स्टिच बनाएंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? और फिर थ्री हमने ये चैने बनानी, दो स्किप करके तीसरे में डालेंगे, ये देखिए, और इसी में 8 हम फिर डालेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है?
और फिर 3 चैने लेंगे और ये 2 स्किप करेंगे स्टिच। थर्ड में हम इसमें होल बनाएंगे, 3 होल बन गए ठीक है। और ऐसे करते हुए इसमें ये थर्ड स्टिच रो बनेगा ठीक है। और ये कैसे मैं आपको ये वाला बताती हूँ कैसे बनाना है। इसमें जो हमने 3 चैने लिए हैं इसमें स्टिच कैसे डलेगा ये देखो, इसमें 2 स्टिच डालने हैं, 1 2, और ये हमारा होल बन जाएगा ठीक है इसमें। और ऐसे ही ये करके और 4 आप यहाँ पर लेके आइए ठीक है। ये ऐसे ही ये यहाँ पर बनेगा, अब 4 ये 3 वाला हमारा रो बन गया, 4th एक और बना के फिर ऐसे ही यहाँ पर बटन पट्टी बनी। ये मेरा बटन होल वाला ये बन गया, 4th रो मैंने बनाए ठीक है। और ये जो बटन जिसमें बटन हम लगाएंगे इस वाले में, तो इसको कैसे जोड़ेंगे ये देखिए। ये वाला जो स्टिच है, ये वाला पहले वाला, ये देखिए इसमें इसको हम ऐसे ऐसे करेंगे ठीक है, ऐसे जोड़ेंगे ठीक है। और इसमें जैसे हमने बनाए थे 2-2 हमने इस पर स्टिच डालते चले जाना है सब पे ठीक है। ऐसे डालते हुए आप जैसे वो इधर का मैंने बताया आपको, ऐसे आप बताइए बनाइए। इसमें भी 4 रो बनेंगे, यहाँ तक सब में 2-2 डाल के, और 4 रो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ऐसे बनाइए, 4 रो ऐसे ही बन जाएंगे ठीक है। ये मेरी बटन वाली पट्टी बन गई है, ये होल वाली है। और इसको कैसे करेंगे, ये वाली पट्टी नीचे आएगी ठीक है, इसको ये नीडल से डाल के यहाँ पर इसको ऐसे ऐसे कर देंगे ठीक है। ऐसे ये बन के तैयार है। और मैं आपको ये आपको जाली बनाना बताऊंगी। यहाँ से कॉर्नर से शुरू करेंगे और जिसमें आप बेल्ट भी डाल सकते हैं और रिबन भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं शो के लिए। और इसको ऐसे करते हुए 6 चैने बनाएंगे, 5 6 ठीक है। और ये 1 स्किप करके सेकंड वाले में हम डबल क्रोशिया डालेंगे, डबल नहीं ट्रिपल क्रोशिया डालेंगे, ट्रिपल बनाएंगे ठीक है। ये 1 1 2 3 ठीक है। और ये देखिए ये ट्रिपल क्रोशिया बन गया। और एक चैन लेंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार ऐसे करेंगे ठीक है। एक स्किप करेंगे और सेकंड वाले में 1 2 3 ठीक है। ये फर्स्ट वाले में एक ज़्यादा वो डल गया, ऐसे 1 चैन लेंगे और ये 1 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए 1 2 ये 3 बारी आता है, ट्रिपल क्रोशिया हो गया। और ऐसे बनाते हुए पूरा रो में ऐसे बनाएंगे, 1 2 और ये 3, ऐसे बनाते हुए आप पूरा यहाँ तक आइए, फिर मैं आपको पूरा यहाँ तक आप बनाइए। और 2 यहाँ पर बनेंगे ठीक है, इधर 1 और 2 मैं आपको यहाँ पर बता दूँगी। बन गया और मैंने आपको बताया है, इसको मैंने जोड़ के यहाँ पर एक स्टिच यहाँ बनाया, एक यहाँ पर बनाया, और ये देखिए है ना, इसको जोड़ लिया ना बीच में जुड़ गया। और आप उसमें देखिए यहाँ पर है ना। और अगर आप इसको नहीं भी बनाना चाहते, अगर आप इसमें डोरी नहीं डालना चाहते, तो आप सीधा ऐसे ही ये 10 रो बनेंगे और आप इसको मिला के 11 रो बना दीजिए, अगर आप ये नहीं डालना चाहते ठीक है, डोरी या रिबन नहीं बांधना चाहते। ये तो मैंने शो के लिए लगाया है, अगर नहीं तो आप ये 10 रो ये बनेंगे और 1 रो ये आप बना के 11 बना दीजिए। अब मैंने ये बना दिया और इसके नीचे मैं 10 रो बनाऊंगी। और मैं आपको बताती हूँ कि बस सिर्फ डबल क्रोशिया बुनना है इसमें, ये देखिए इसमें 3 चैने लेके एक स्टिच इसमें बुनेंगे जहाँ पर मैंने चैन ली थी
और एक इसमें बुनेंगे जो ट्रिपल क्रोशिया लिया था, ऐसे करते हुए डबल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसे डबल क्रोशिया बुनते हुए सब में ऐसे बुनेंगे, ठीक है। एक इधर से स्टिच में से लेंगे और एक इसमें से लेंगे। ऐसे ही आप इसको, ये 10 हमारे रो बन जाएंगे। फिर मैं आपको यहाँ से इसका वो करना बताऊँगी, ठीक है। ये जो यहाँ से शुरू होगा ये मैं फिर बाद में बताती हूँ आपको, ठीक है। 10 रो बना लिए, ये 10 रो बन गए हैं, ठीक है। और ये देखिए, मैंने इसमें रेड कलर की मैंने ये बटन पट्टी डाली है और इसमें मैंने किंगरी करी है, और मैं आपको फिर नीचे किंगरी करके भी बताऊंगी। और ये देखिए, आप इसमें रिबन भी डाल सकती हैं। ये 4 चैने लेके मैंने 4 चैने बना के ऐसे ऊपर ऐसे कंटिन्यू ऐसे ही बनाया है। और इसका ये 30 इंची का मैंने बनाया है, 30 इंची, ठीक है। 30 इंची की बेल्ट बनी है, आप अपने हिसाब से, बेबी के हिसाब से आप बनाइए। और आगे का जो हमने बनाना है, जैसे ये हिस्सा है, ये हमारे कितने स्टिच बन गए, 80 स्टिच, यानी कि 80 स्टिच बन गए। और 40 आगे 40 पीछे जाएंगे, तो आगे वाले स्टिच हम यहाँ से 2 कम करेंगे, यहाँ से 2 कम करेंगे, और यानी कि 40 में से 4 हम यहाँ से कटा देंगे, 2-2, और यहाँ हमारे 36 स्टिच रह जाएंगे। 36 यहाँ से उठाएंगे और 44 हम पीछे से उठाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ निशान लगाया हुआ है, 36 ना, 80 स्टिच है हमारे, 80 स्टिच है, 40 आगे 40 पीछे के लिए। और हम इसमें क्या करेंगे, 4 स्टिच पीछे डालेंगे, उसमें 44 हो जाएंगे। यहाँ 36 स्टिच मैंने यहाँ निशान लगाया हुआ है, 2 इधर से कम कर दिए, 2 इधर से कम कर दिए, और हमारे ये 8 रो बनेंगे आगे के। ये देखिए, जैसे मैं बता रही हूँ, इसमें ऐसे 8 रो बनेंगे। यहाँ से हम 2 स्टिच इधर से कम होंगे, 2 स्टिच इधर से कम करते हुए हम 8 रो बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 रो में हमने ये डबल बनाया है, और एक रो में हम सिंगल कम करेंगे। अगर नीचे से कम हो जाता है, उसी हिसाब से हम कम करेंगे, ऊपर से हम डबल डबल यहाँ से, इधर से 2, इधर से 2 घटाते हुए हम लोग यहाँ पर आएंगे। और पीछे वाला 3 रो ज़्यादा बनेंगे, 11 रो बनेंगे, आगे हमारे 8 रो बनेंगे। मैं आपको शुरू करती हूँ। यहाँ से हम आगे से फ्रंट के हमारे कम रहेंगे 4 स्टिच, 4 स्टिच हम पीछे डालेंगे, ठीक है। यहाँ से ये थ्री चैने लेंगे, और जब भी हम चैने लेंगे, देखिए यहाँ से हमारी बहुत अच्छा ये लाइन बनती चली जाएगी। हमने स्टार्टिंग से नहीं घटाना है, हमने एक स्टिच यहाँ से 3 चैने बना के फिर हम ये अपने 2 स्टिच घटाएंगे, ठीक है। इधर से भी चैन बनेगी, इधर से भी आपको निशानी भी रहेगी कि हमने कहाँ घटाया है, और आपको ये चैन बनती हुई बहुत खूबसूरत बनेगा। आप शुरू से मत घटाइए कि हम यहाँ से स्टार्टिंग से घटाएं, नहीं घटाना है आपको। 4 चैने, 3 चैने बनानी है, तो कैसे करना है, हमने ये हाफ डबल क्रोशिया बुनाना है, 1 2 और ये 3, 3 स्टिच बनाए, 1 स्टिच हमारा ये है, और 3 में से 2 कम हो जाएंगे तो हमारा 1 स्टिच इसमें से रह जाएगा। इसको हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, 1 स्टिच तो हमने इसमें बुनना ही बुनना है, 1 स्टिच हम इसमें बुनेंगे, और 2 स्टिच हमारे यहाँ से कम हो गए, और यहाँ से 2 स्टिच यहाँ से बुने। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कम होंगे। ऐसे ही डबल क्रोशिया बुनते हुए, ऐसे डबल क्रोशिया बुनना है, बीच में सारा डबल क्रोशिया बुनेंगे, और जो लास्ट के 4 स्टिच रह जाएंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि 4 स्टिच में हमने क्या करना है। जैसे हमने 2 स्टिच कम किए, और मैंने आपको जैसे बताया कि 4 स्टिच में ही हमने इसको कम करना है, ठीक है। एक स्टिच में तो हम चैन बनाएंगे, 3 चैने बनाएंगे, और इसको ज़्यादा हर रो में तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। देखिए, हाफ स्टिच बनाया, 1 2 3 बनाए, इसमें से 1 स्टिच रह जाएगा और 2 हमारे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। एक ये हो गया, यहाँ से हमारे 2 स्टिच कम होंगे, 2 स्टिच हमारे यहाँ से कम होंगे, और ये वाला जो लास्ट वाला है हमारा, इसको हम चैन बनाएंगे, ठीक है।
चैन बनाओगे तो चैन ऐसे बनती चली जाएगी और आपको बनाने में दिक्कत भी नहीं होगी कि मैंने कहाँ से शुरू करना है। और देखो एक चैन से यहाँ से चैन बनेगी तो यहाँ से स्टिच लेंगे हम, ये वाला बुनेंगे दो हमारे स्टिच कम हो जाएंगे। ऐसे ही 6 रो हम बनाएंगे और हमारे दो दो स्टिच कम हो जाएंगे, ठीक है। और जो लास्ट वाला हम माना बनाएंगे इसमें हमारे 12 स्टिच रहने चाहिए, ठीक है। 12 स्टिच हमारे यहाँ रहेंगे और फिर यहाँ ये होल बनाया है इसमें ये बटन होल बनाएंगे और इसमें बटन लगाएंगे, इसमें 3 चैने बनाएंगे और ये देखिए 3 चैने बनी। और इसमें जो हमने 3 कम किए थे तो 1 स्टिच हमारा इसमें से बनेगा, 2 स्टिच कम हो जाएंगे। ऐसे बनाएंगे, ऐसे हर रो में 2 स्टिच यहाँ से कम होंगे, 2 स्टिच यहाँ से कम होंगे, यानी कि हमारे 6 रो बनाएंगे तो 2 2 मतलब आप माना लो 24 स्टिच हमारे यहाँ कम हो जाएंगे। ये हाफ डबल क्रोशिया बनाया, हाफ डबल क्रोशिया ऐसे बनाया, हाफ डबल क्रोशिया बनाया, 3 स्टिच बनाए और 1 चैन वाला, इसको हम ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। ऐसे स्किप किया और ऐसे ही बनाते हुए आप 6 रो बनाइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। फिर जब यहाँ पर आएगा ये देखिए यहाँ पर ये चैन बनाई हुई है, चैन को बुनना ज़रूरी है और यहाँ से 2 स्टिच और ये तीसरा 3 को आप इसको माइनस करेंगे तो और इसमें चैन बनाएंगे। ऐसे ही आप इसमें 6 रो बनाइए, फिर मैं लास्ट वाला आपको बना के बताऊँगी। ये 8 रो बनेंगे, 1 रो मैंने बना दिया, सेकंड वाला ये है और आप इसमें इसको मिला के 1 2 2 और यानी कि इसको 2 वाला और ये 6 रो बनेंगे इसको मिला के, ठीक है। 4 रो और बनेंगे, ये मेरे ना 36 यहाँ पर स्टिच थे और यहाँ पर मैंने यहाँ 2 स्टिच यहाँ से कम करते हुए, 2 स्टिच यहाँ से कम करते हुए ये 5 रो मैंने बनाए, ठीक है। और यहाँ से जो मेरा छठा वाला रो है इसमें मैंने 1 स्टिच कम किया। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा अगर यहाँ स्टिच कम आते हैं, हमने 8 ही रो बनाने हैं और यहाँ पर हमने 5 रो बना लिए, 4 स्टिच यहाँ कम होते गए, 2 इधर से 2 इधर से, ठीक है। और यहाँ पर हमारे अब यहाँ पर 14 रह गए, 1 रो और बनेगा, 12 हमने स्टिच बनाने हैं, ठीक है। ये हमारे 6 रो हो गए, 7 रो पे भी मैं यहाँ पर 5 रो में मैंने डबल डबल स्टिच कम किए और यहाँ पर 1 स्टिच कम किया, 1 इधर से 1 इधर से। और ये 7वां रो है इसमें भी 1 स्टिच कम करेंगे, ये देखिए ये 1 कम हो गया और ऐसे ही बुनेंगे। आपको बस यही ध्यान रखना है कि हमारे को नीचे 12 स्टिच चाहिए और यहाँ पर ऐसा हो जैसे ऊपर तो ज़्यादा हमारे स्टिच होते हैं तो हम इधर से डबल डबल करते हैं, जो लास्ट वाले में 2 रो ऐसे बना लें कि 1-1 स्टिच ही कम हो, जो कम ना स्टिच रह जाए। इधर देखो हम 1 स्टिच यहाँ कम कर देंगे, ये देखो 2 का 1 किया और लास्ट वाला हमने ऐसे चैन ऐसे ही बुन ली, ठीक है। और ये हमारे 7 रो हो गए और 8 रो हम कैसे बुनेंगे, 8 रो हम ऐसे ही बुन जाएंगे, इसमें हम कोई माइनस नहीं करेंगे। और ये देखिए ये 2 हमने ऐसे बुने, 2 स्टिच बुने, ठीक है, 2 स्टिच बुने और यहाँ पर 1 ही चैन लेंगे, ठीक है। और ये 1 स्टिच कम करेंगे, देखिए ये हमने होल बना लिया बटन के लिए, ठीक है। और लास्ट में भी हम इसमें ऐसे ही होल बनाएंगे, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 3 स्टिच यहाँ पर बनाइए, 3 ऐसे बनाइए, 1 चैन लेके 1 इधर होल के लिए रख दे, ठीक है, 1 यहाँ बन गया और बीच वाले हम ऐसे बुन लेंगे। जो लास्ट के जो 3 होंगे
वो ऐसे बोल लेंगे, ठीक है। 1 2 3 और एक चैन लेंगे और ये ऐसे करेंगे, ये देखिए ऐसे 3 स्टिच हम बुन जाएंगे। ये देखिए ये हमारे 2 होल बन गए और इसमें आगे वाले में हम बटन लगाएंगे इसको ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही बनाना है, ठीक है। और पीछे वाले से हम शुरू करेंगे तो इसमें 44 हमारे स्टिच होंगे और ऐसे ही रो बनाते हुए 2 इधर से 2 इधर से कम करते हुए मैं आपको शुरू करके बता, ऐसे ही आप बनाइए, ऐसे ही बन जाएगा। पर आपको शुरू में स्टार्टिंग में 2 2 स्टिच ही हमको कम करने हैं, ठीक है, कि ज़्यादा स्टिच हैं इसमें, पीछे ज़्यादा स्टिच हैं तो इसका और भी हमारे को 1 2 रो ऐसे ही बनेंगे हमारे। आप ऐसे बनाएंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपको किस तरह घटाने हैं, घटाना आना चाहिए। माइनस आप कैसे करेंगे, जैसे एक बनाया, ये चैन ली और ये 3 स्टिच हमने बनाए, फिर 3 का ऐसे हम इसे कर देंगे तो हमारे 2 स्टिच कम हो जाएंगे और आगे हम ऐसे ही बुनते चले जाएंगे और 3 2 स्टिच हम आगे वहाँ से घटाएंगे, ठीक है। एक रो मैं आपको बना के बताती हूँ, ये बैक में हमारे 44 स्टिच थे और फ्रंट में हमारे 36 थे और 44 से हमारे ये बढ़ गए ना, तो यहाँ से हमने 2 स्टिच कम किए और यहाँ से आपको बोले कि जो लास्ट के 4 स्टिच होते हैं इसी में हमने उसको माइनस करना होता है। जैसे हाफ स्टिच एक बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा, 3 को हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। और जो लास्ट वाला है उसमें हम चैन बुनेंगे। चैन आप बनाना मत भूलिएगा, चैन बनाएंगे और आपकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और आप उसको पता भी चलेगा कि आपने कहाँ से अपने घटाया है, कहाँ से आपने किया है। ऐसे ही आपको मालूम है कि हमारे 44 स्टिच हैं और आगे हमने 5 रो में डबल डबल कम किया और 2 रो में हमने सिंगल सिंगल कम किया और इसमें आप 2 हमारे रो ज़्यादा बनेंगे, 7 रो में हम डबल डबल बनाएंगे, ठीक है। आप ऐसे ही बनाइए जैसे मैंने आगे आपको बताया है और लास्ट में जैसे कम रह जाते हैं तो अपने हिसाब से आप एक एक कम करिए और 12 स्टिच लास्ट में छोड़ दीजिए, ठीक है। आप ऐसे बनाइए, ऐसे ही आपको बिल्कुल ऐसे ही ऐसे आगे हमने 8 रो बनाए हैं और पीछे हम 11 रो बनाएंगे, ठीक है। 11 रो बनाएंगे, लास्ट में हमारा 12 आएगा, ठीक है। 6 हमने 7 स्टिच हमने डबल डबल में कम करने हैं और फिर सिंगल में बनाने हैं, 2 रो हम सिंगल में बनाएंगे और 2 ऐसे ही बुन जाएंगे, ठीक है। आप बनाइए, ये मैंने बनाया है, मैंने आपको बताया था आगे 36 हमने बनाए और यहाँ से हमने यहाँ पर ये 6 रो मैंने डबल डबल का वो कम किया है ना और 1 रो हमारा सिंगल का हुआ, ठीक है। ये हमारे 8 रो बने, ये वाले में हमने होल बनाया, बटन वो लगाएंगे और जैसे मैंने आपको बताया तो जो बैक का बनेगा वो 3 रो ज़्यादा बनेंगे, 3 रो बस एज इट इज़ वैसे ऐसे ही बनाने हैं जैसे 12 वाला है, इसमें कोई माइनस नहीं करना, हमने 3 रो ये ऐसे ही बनाए हैं, ठीक है। और जो पीछे वाला जो हमने 44 स्टिच के बनाए हैं उसमें 6 बारी हमने डबल डबल छोड़ा है, इसमें 7 बारी हमने डबल स्टिच कम किए हैं और 1 बारी ही सिंगल सिंगल किया है और 3 बारी हमने ये डबल स्टिच ऐसे ही एज इट इज़ ऐसे ही बनाया, सिर्फ 12 वाले 3 रो बनाए हैं, ऐसे ही बनाना है आपको। सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसको घटाना है, हमने ये देखी जो हमारा ये बीच का गैप आया हुआ है, जो 2 स्टिच हमने यहाँ से कम किए, 2 स्टिच यहाँ से कम किए तो इसकी बनावट तभी ऐसे आएगी और ऐसे ही ऐसे हम इसमें बटन लगा के मैं आपको बता देती हूँ कि बटन कैसे लगाएंगे, है ना। ऐसे ही बीच वाले में ये 3 ये छोड़ेंगे, यहाँ पर हम इसमें स्टिच में बटन लगा देंगे, ठीक है, ऐसे लगाएंगे, ऐसे बस आपको डबल उसमें जब बराबर करेंगे, जैसे 80 स्टिच हैं
आपको 4 माइनस करके पीछे ज़्यादा रखने हैं, आगे कम रखने हैं, और आप देखेंगी तो ऐसे ही ये बन के तैयार। अपने हिसाब से कि आपको बच्चे का कितना इसकी वो रखनी है, विथ रखनी है, जो विथ होती है बच्चे की एज के हिसाब से। ये 6 मंथ से 1 ईयर्स के लिए है, ठीक है। ऐसे ही बटन लगाएंगे, ठीक है, ऐसे ही इसकी ऐसे बनावट आएगी, ठीक है, ऐसे ये ऐसे आना चाहिए, ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे बटन लगाएंगे। और मैं आपको एक ये जो यहाँ की किंगरी है मैं वो करके दिखाती हूँ, आप बटन इधर लगा के, ठीक है, यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। फिर आपको देखें कि नीचे जैसे स्टिच कम रह जाते हैं, ऊपर हमने डबल डबल बनाया, और आप उसको एक स्टिच इधर से कटाएं, एक बनावट उसकी सही आनी चाहिए। बस मैंने आपको तरीका बताया और आपको अपने तरीके से अब इसको बनाना है। इसको 4 चैने लेंगे और हर उसमें जैसे हमने डबल क्रोशिया बनाया हुआ है, ऐसे डबल क्रोशिया में 4 चैने लेते हुए इसको हम ऐसे बनाते चले जाएंगे। 4 चैने लेके इसमें जोड़ेंगे, देखिए ऐसे, ये मैंने ऐसे किंगरी सी की हुई है, ऐसे 4, 3, 4 ऐसे करते हुए ऐसे ऐसे आप बनाइए, ठीक है, ऐसे बनाना है, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे बनाते हुए आल ऐसे पूरा बनाएंगे इसका, ऐसे ही पूरा बनाएंगे जैसे मैंने इसको ये वाली बनाई हुई है, ठीक है। इधर 2 बटन लगेंगे और ऐसे ही ये 4 स्टिच की मैंने ये बनाई हुई है रो, ये 30 यानी कि 30 इंची का मैंने ये बेल्ट बनाया है इसका। आप बेल्ट नहीं बना के रिबन भी लगा सकते हैं, फिर मैं आपको पूरा फिनिश करके फिर बताती हूँ। और ये 6 मंथ से 1 ईयर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इसकी थोड़ी विथ थोड़ी रखना चाहती हैं तो थोड़ी 4-6 स्टिच, अगर साल के लिए बना रहे हैं तो 4-6 स्टिच ज़्यादा रख लीजिए और 2 पीछे बढ़ा के थोड़ा 2 कम, 2 इधर से 2 इधर से कम करें, तभी ये शेप आएगी आपकी, ठीक है, तभी ये शेप बन गएगी। और आप बिल्कुल अगर प्लेन ऐसा बनाना चाहते हैं, ऐसी धागे की किंगरी करना चाहते हैं या रिबन डालना चाहते हैं, जैसे भी अगर आप बनाना चाहें आप बनाइए, है ना, बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। आप इस हिसाब से नीचे जब आएंगे तो थोड़ा 1-1 स्टिच कम कर लीजिए और ऊपर 2-2 स्टिच कम करके, और 12 स्टिच यहाँ छोड़िए, और आगे के 8 रो बनाए हैं, पीछे के 11 रो आप बनाइए तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ठीक है। और थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।